प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का किया राष्ट्रीय शुभारंभ। कहा, इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत की भावना और प्रेरणा शामिल। प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पांचवी और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की लागू। अध्यापकों और अभिभावकों ने किया स्वागत। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला से 198 नई एम्बुलेंस और 47 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रदेश में लगातार बेहतर हो रही है स्वास्थ्य सेवाएं। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाई जा चुकी है कोविड रोधी टीकों की 160 करोड़ से अधिक खुराक। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, कोविड नमूनों की जांच में की जा रही है निरंतर बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है, इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है, इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो, जिसकी सोच और अप्रोच नई है और जिसके निर्णय प्रगतिशील है। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पांचवी और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा लागू कर दी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार के इस निर्णय से शिक्षा प्रणाली में उच्च स्तरीय सुधार लाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में परिस्थितियां ठीक रही तो फिर से विद्यालय खोल दिए जाएंगे और 30% विद्यार्थियों को ही स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। केवल एक जिम्मेदारी का एहसास कराना बच्चों का, क्योंकि अगर कोई भी किसी चीज़ का टेस्ट नहीं होगा, कहीं भी लगा लो आप, तो उसमें उस प्रकार की गंभीरता नहीं आती। तो इस पर विचार करते हमने आठवीं का बोर्ड बनाया और हमने पाँचवीं का भी ये रखा है कि उनका पेपर लेंगे, बोर्ड तो नहीं है उसका, और अगर वो उसमें अनुत्तीर्ण रहते हैं तो उस स्थिति में उन्हें दोबारा एक मौका दिया जाएगा ताकि एक गंभीरता बढ़े। अगर कुछ स्थिति ठीक होती है तो फिर चाहे भले ही हमने 30% या 33% में स्कूल शुरू करना पड़े तो उस पर भी हम कर लेंगे। अध्यापकों और अभिभावकों ने प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। बोर्ड की परीक्षा को दोबारा से लागू कर दिया है, ये सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। पहले क्या होता था कि बच्चा बोर्ड ना होने की वजह से सीरियसली नहीं लेता। वो पांचवी और आठवीं के विद्यार्थी हैं, उनको बोर्ड किस तरह का होता है, पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, एक इस तरह का प्रतियोगिता भाव उनके अंदर आएगा और उनका कॉम्पिटिशन लेवल भी बढ़ेगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पंचकुला में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सोम नदी पर बांध बनने से कई गांव वर्षा के पानी से प्रभावित होने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि बांध के पानी को सिंचाई और अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये बांध बनने से जहाँ और भी कुछ गाँव ऐसे जहाँ नुकसान होता था तो उस नुकसान से भी बचाव होगा और वो पानी जो नुकसान करता था वो फायदा करने की स्थिति में आ जाएगा कि उसको हम साल के साल किसान को देंगे जब उसको जरूरत होगी। तो जहाँ उससे वाटर लेवल भी ऊपर आएगा वहीं उससे किसान को लाभ भी होगा, वो अपने खेत की सिंचाई उससे कर सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज पंचकुला से 198 नई एम्बुलेंस और 47 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नई एम्बुलेंस और मोबाइल चिकित्सक इकाइयों से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट में लैब, फार्मेसी, ऑक्सीजन और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स वो लॉन्च की गई, ये चलता फिरता अस्पताल है, इसमें सारी सुविधाएं, इसमें लैब भी है, जनरेटर भी है, एयर कंडीशन है ये, और इसमें जो पेशेंट्स के लिए सारी सुविधाएं, फार्मेसी भी है इसमें, इसमें ऑक्सीजन का भी इंतजाम है, सारी सुविधाएं इसमें है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वास्थ्य केंद्रों से दूरी वाले क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देंगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश भर में मैपिंग करवाई जा रही है। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। ये हरियाणा के उन क्षेत्रों में जाया करेगी जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों से दूर हैं, ताकि अगर वो लोग नहीं आ सकते तो हम उनके पास जाएं, उनको सेवा प्रदान करने के लिए इन बसों को ऐसी जगहों पर खड़ा किया जाए। हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सारे हरियाणा की मैपिंग करवाने जा रहे हैं कि कहाँ पर कितने बेड का अस्पताल चाहिए, कहाँ CSC चाहिए, कहाँ PSC चाहिए, कहाँ पर कितने बेड्स होने चाहिए, इसका भी हम मैपिंग करवाने जा रहे हैं। देश में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज पत्रकार वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में लगभग 19 लाख सक्रिय मामले हैं और पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन लगभग 2,71,000 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार दिनों में प्रतिदिन कोविड टेस्ट को लगातार बढ़ाया गया है और पिछले 24 घंटों में लगभग 19 लाख टेस्ट किए गए हैं। Being conducted per day have increased day on day, and in last 24 hours we have done around 19 lakh tests in the country. भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 160 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,17,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 2,23,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3,83,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 8,03,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 59,344 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। फरीदाबाद जिले में लगातार तेज गति से टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके चलते अब तक 92% पात्र व्यक्तियों का कोरोना रोधी टीकाकरण किया जा चुका है। फरीदाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 34,58,000 से अधिक व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीके की खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 68,000 से अधिक पात्र किशोरों को भी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 58,273 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, जिसमें 19,98,525 फर्स्ट डोज है, जबकि 14,53,431 सेकेंड डोज है। फर्स्ट डोज हमारी लगभग 121% हो गई है, जबकि सेकेंड डोज हमारी 92% के आसपास हो गई है। साथ में 15 से 17 साल के बच्चों को हमने 68,783 डोजेज लगा दी है। जिले के
के एक निजी विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बताया कि उनके विद्यालय में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के 600 विद्यार्थी हैं, जिनका आज टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। में 9वीं से लेकर के 12वीं तक जो है 600 बच्चे हैं जिनका हमारे पास आज टारगेट है। उनको हमने तो सोचा हुआ है कि हमने 600 के 600 ये जो टारगेट है वो पूरा करना है। आई रियली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट और उन्होंने इतनी जल्दी जो है हमारे 9 to 12 तक के बच्चे, क्योंकि जो सीनियर क्लासेस होती हैं, बोर्ड क्लासेस भी हैं, तो उनकी तरफ उन्होंने इतना उसमें ध्यान दिया है। टीकाकरण करवाने वाले किशोरों ने कहा कि वैक्सीन की खुराक लेने के बाद जब वे स्कूल में आएंगे तो उन्हें कोरोना संक्रमित होने का खतरा नहीं रहेगा, उनके परिजनों को भी चिंता नहीं होगी और वे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि किशोरों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने के लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। सोचा है कि अगर वैक्सीनेशन हो गया तो कोरोना खत्म हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत बचाव है और अपने फ्रेंड्स से भी बोलने के लिए सोचा। रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया, इन्होंने बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन किया हमारा और फिर मेरे को इंजेक्शन लगाया, तो मेरे को इंजेक्शन भी बड़े अच्छे से लगाया, कोई पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो सब नॉर्मल है, ठीक है, तो अच्छा लगा इंजेक्शन। ये बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं वैक्सीन का और अब लग गया, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, ये बीमारी का कोई डर नहीं है, अच्छी बात है। अभी अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि कब लगेगा, क्योंकि कोरोना का माहौल ऐसा है कि डर लग रहा था कि स्कूल वूल नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए अब वैक्सीन लग गई है तो अच्छा लग रहा है कि अब सेफ्टी से स्कूल आ सकते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में डीबीटी योजनाओं का डिजिटलाइजेशन करने पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द डीबीटी योजनाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से परिवार पहचान पत्र से जोड़ें। मुख्य सचिव ने बताया कि आधार एक्ट के तहत डीबीटी योजनाओं को अधिसूचित करके स्टेट डीबीटी पोर्टल से जोड़ना है, इसलिए सभी विभाग जल्द से जल्द अपनी योजनाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से पीपीपी से भी जोड़ें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीबीटी के लाभ पात्रों की सूचना पोर्टल पर अपलोड करें ताकि सही डाटा अपडेट रह सके। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने प्रदेश में भूमि विकास, संरक्षण एवं जल भराव, भुआली भूमि के सुधार के उपाय शुरू करने के लिए विशेष योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। सुभाष बराला ने कहा कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत, गोहाना सहित प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में सेम की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां चलाएं जिससे सेम की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खेत दलदली हो गए हैं वे किसान ऑनलाइन पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद विभागीय स्तर पर योजना बनाकर उनकी समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। किस प्रकार से किसान की जो भूमि है, चाहे वो क्षारीय भूमि है या फिर जहाँ सेम की समस्या है, इस भूमि को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है और ये विभाग किस किस प्रकार की गतिविधियों में लगा हुआ है, इस उद्देश्य से ये हमने बैठक बुलाई थी। सुभाष बराला ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ या सूखे से होने वाले नुकसान से भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में अधिकतर भूमि कृषि योग्य और उपजाऊ बनाई जाए। नीचे का जो भूमिगत जल है उसको कैसे, जो वाटर लॉगिंग के कारण जिसकी समस्या हो चुकी है, जमीन के अंदर जो पानी का भराव ऊपर दिखाई देता है, उसको बाहर निकाल करके, उसको ड्रेन आउट करके कैसे उस भूमि को हम कृषि योग्य उसको बनाएं, उसको। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का किया राष्ट्रीय शुभारंभ, कहा इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत की भावना और प्रेरणा शामिल। प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की लागू, अध्यापकों और अभिभावकों ने किया स्वागत। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला से 198 नई एम्बुलेंस और 47 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा प्रदेश में लगातार बेहतर हो रही है स्वास्थ्य सेवाएं।
और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाई जा चुकी हैं कोविड रोधी टीकों की 160 करोड़ से अधिक खुराक। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कोविड नमूनों की जांच में की जा रही है निरंतर बढ़ोतरी। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, दो गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।